जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शबरी माता का चरित्र, कल से आगे का भाग। ये जो भगवान हैं, इनको दैन्य बड़ा प्यारा है। ये जो भगवान हैं, इनको दैन्य बड़ा प्यारा है। जहाँ कहीं जिसके जीवन में दैन्य आ गया, और जीवन का दैन्य जिसकी आँखों में, जिसकी वाणी में, जिसके जीवन में उतर आया, उस दैन्य को देखकर भगवान पिघल जाते हैं, उस दैन्य के हाथ बिक जाते हैं। शबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। इसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया और बोली, सरकार नाथ, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? एक तो मैं जाति की अधम भीलनी, और कहीं कुछ समझदार होती तो कुछ बात होती। जड़मति भारी, बुद्धि से मैं अत्यंत जड़, जाति से अधम हूँ, और फिर अपना दैन्य बताती है। अधम ते अधम, अधम अति नारी। एक तो जाति से अधम, बुद्धि से अधम, और फिर उनमें भी मैं अधम नारी जाति से हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं, और फिर महाराज मैं अत्यंत मतिमंद। लेकिन एक विश्वास है, आप पधारे हैं और आप पाप का नाश करने वाले हैं। मेरे पापों की ओर आज देखते तो मेरी कुटिया पर आप आते कैसे? मेरी कुटिया पर पधारे आप, इसी से सिद्ध हो गया। अघारी शब्द जो संबोधन है यहाँ, ये संबोधन दिया शबरी ने। शबरी ने जान लिया कि भगवान जो हैं, ये अघ का नाश करने वाले हैं। आप अघारी हैं, आप जानो और मैं क्या कहूँ। भगवान ने फिर प्रेम बढ़ाने की बात कही, और भगवान ने ऐसी बात कही कि जिसमें प्रेम का प्रताप उन्होंने प्रकट कर दिया। वे बोले, भामिनी सुनो बात, मैं जो प्रेम का भगवान हूँ, प्रेम का ठाकुर, ये मैं कोई और संबंध नहीं मानता। मैं केवल संबंध मानता हूँ भक्ति का, प्रेम का संबंध मानता हूँ। कोई बड़ी जाति का हो, कोई परम पावन हो, या परम पावन ब्राह्मण होते हैं, जिसका कुल बड़ा ऊंचा हो, जो बड़ा धर्मात्मा हो, सारे जगत में जिसकी कीर्ति फैल रही हो, जो बड़ा धनी हो, जिसके पास सब प्रकार के बल हों, जिसके परिजनों का पार न हो, जो बड़ा गुणवान हो और जिसके पास सारी चतुराई भरी हो, इन सब गुणों के नाम ले लिए। बस ये ही गुण सब हैं जिनके पीछे लोग पागल हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ने कहा, ऐसे भी अगर कोई हो, लेकिन उनमें मेरी भक्ति नहीं, तो भक्तिहीन नर सोहही कैसा, बिनु जल बारिद देखही जैसा। जैसे बिना पानी के बादल व्यर्थ के बादल, केवल शोभा उसमें है पर उनमें कुछ सार नहीं है, इसी प्रकार ये जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन जन परिजन कुल चतुराई, ये सब के सब व्यर्थ हैं भक्ति के बिना। अब उसको जिज्ञासा हुई कि भक्ति क्या है। भगवान सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं जिसको भक्ति मानता हूँ, उस भक्ति की तुम तो मूर्तिमान प्रतिमा हो। ये बताने के लिए भगवान भक्ति की व्याख्या करते हैं। भगवान बोले, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखही पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही है हर्ष न दीना। नवम नवमहू एकऊ, जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे,
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इस प्रकार का यह सुंदर प्रसंग है। भगवान की बताई हुई इन भक्तियों को आदमी समझ ले और इनमें से एक भी जीवन में उतार ले तो भगवान कहते हैं, इनमें से एक भी जिनके हों, वह चाहे कोई भी हो, नारी हो, नर हो, जीव चराचर में कोई भी हो, वह मुझे बड़ा प्रिय होता है। इसलिए भगवान के प्रिय बनने का, भगवान का प्यारा बनने का, जिसके यहाँ भगवान स्वयं आ जाएं पूछते हुए, ऐसा बनने का साधन जो है ये भगवान ने यहाँ बताया है। उनकी व्याख्या नहीं करता, केवल शब्दार्थ करता हूँ। भाई जी कहते हैं, पहली भक्ति है संतों का संग। विषयी पुरुषों का, विषयी जन का, विषयी वातावरण का परित्याग और संत का संग, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम। केवल सुनना नहीं, सुनना दंभ से भी होता है, सुनना किसी और हेतु से भी होता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कहते हैं कि मेरी कथा प्रसंग में जिसके मन में रति हो, जो सुन सुनकर कभी अघावे तृप्त नहीं हो, बल्कि सुनते ही जिसके प्रेम बढ़ जाए। तीसरी भक्ति क्या है? मान छोड़कर, अमानी होकर, अभिमान का त्याग करके श्री गुरु के पद पंकज की सेवा करे। सेवा में मान का त्याग रहे, मान की बात आई विशेष रूप से, अभिमानी बन जाए मन और गुरु को हाथ जोड़ ले। ये गुरु सेवा नहीं होती, मान का त्याग करके गुरु की सेवा करे। ये हुई तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति क्या है? मम गुण गन करई कपट तजिगान, कपट छोड़कर मेरे गुण गणों का प्रेम पूर्वक गान करें। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बड़े विश्वास के साथ भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करें, शील रहे और बहुत ज़्यादा धंधों में न पड़े, विरति बहु कर्मा, अधिक कर्मों से बचा रहे और नित्य निरंतर जो संतों का धर्म है उसको धारण करें। सारे संसार को भगवद में देखें और संत को भगवान से भी विशेष देखें। ये सातवीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए, मान अपमान अच्छा बुरा, उसी में संतोष करें और स्वप्न में भी कभी भूलकर भी दूसरे के दोषों को न देखें। ये आठवीं भक्ति है। हृदय में सरलता हो, किसी के साथ भी छल न करें और मन में भगवान का बड़ा भरोसा रहे और संसार के किसी भी पदार्थ की प्राप्ति में न हर्ष हो न उद्वेग हो। इस प्रकार की ये नौवीं भक्ति है। भगवान ने कहा, इन नौ में जिसके एक भी होती है वे भी मुझको बड़े प्यारे होते हैं। तुम में तो ये सब के सब सुलभ हैं, जीव का सहज स्वरूप क्या है? भगवत जन हो जाना, भगवान का भक्त हो जाना जीव का सहज स्वरूप है। यहाँ यही प्रसंग है, कहा कि मेरे दर्शन का ये अनुपम फल है, तुम बस मेरी हो गई। सदा के लिए भगवान ने शबरी को स्वीकार कर लिया। ये श्री रामायण में शबरी जी का प्रसंग है। इस प्रकार से जब शबरी जी को भगवान ने निज जन स्वीकार कर लिया, तब वे इसके बाद मुनियों के पास, ऋषियों के पास पधारे। ऋषि मुनि सब आ गए थे। भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं, ये ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। ये तो नवधा भक्ति यहाँ बताई शबरी के लिए। ये भक्ति प्रेम की थी, इसलिए यहाँ पर वह प्रसंग नहीं आया। और जगह जहाँ भक्ति आई वहाँ विप्र पद पूजा ये भक्ति का एक अन्यतम अंग बताया। यहाँ वह प्रसंग नहीं था। पहली भक्ति जो है वह ब्राह्मणों के पदों की पूजा है। अन्यत्र जो भगवान राम ने भक्ति बताई प्रसंग के अनुसार है। ये प्रसंग जो था शबरी का, यहाँ पर तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई इन सब का अमल नहीं करना था तो ये सब कैसे बताते? इन सब को निराश करना सही नहीं है। भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ब्राह्मणों की सेवा में पहुँचे, हाथ जोड़े,
सबको प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद लिया, सबके पास बैठे और सबका कुशल पूछा और सबको आप्यायित किया बड़े नम्र वचनों से और कहा कि देखो महाराज, ये बुढ़िया रही और मैंने सुना था बहुत दिनों से कि पागल सी हो गई है, बार बार उठती है, दौड़ती है और भागती है, झाड़ू लिए फिरती है, कहीं मर ना जाए। आप लोग तो विवेकशील हैं। इसमें प्रेम की बात थी, विवेकी प्रेमी नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ विवेक सारा ढक जाता है। इसमें ये व्यंग्य नहीं है, श्लेष है। भगवान जो है ना, उनकी वाणी जो होती है वह सबके लिए सर्वार्थमयी होती है। भगवान ने कहा, बड़े विवेकवान हैं आप, ज्ञानी हैं, आपके यहाँ बाद में भी आ गया तो आप बुरा नहीं मानेंगे, आप महात्मा हैं, आपकी मुझ पर हमेशा कृपा रहती है, पर वह कहीं बुढ़िया मर जाए तो बड़ी मुश्किल आप लोगों को ही होती, इसके लिए मैं पहले उसके पास गया, अब कृपा आपकी है। सब ब्राह्मण जो है ना, उनके एक गुण की बात बताऊं कि ब्राह्मण के समान सरल हृदय महात्मा जगत में कोई जाति हुई नहीं। सरलता से बना संतत्व, संतपना क्या है कि ये सत्संग कर रहे हैं। ब्राह्मणों को राजी करना हो तो ऐसे भोले हैं कि जरा सी तारीफ की, हाथ पैर जोड़े कि ब्राह्मण देवता भूल गए सब। दुर्वासा जी की दूसरी बात है, बाकी ब्राह्मण बड़े सरल होते हैं, वे प्रसन्न हो गए। राम जी तुम्हारा क्या कहना, आप तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये तो पिताजी ने वनवास दे दिया और आ गए, तो आपके समान तो आप ही हैं, प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। दूसरी बात आई, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमें एक कष्ट है। बोले क्या? कहा, वहाँ जो पंपा सरोवर है इसका जल खराब हो गया है, एक बार महाराज इसको आप शुद्ध कर दें। उन्होंने कहा, हम कैसे शुद्ध कर दें, आप लोग बड़े भारी विद्वान हैं। तपस्वी बोले, नहीं नहीं, आप भगवान हैं, आप चलकर एक बार आचमन कर लें, उस पानी को तो शुद्ध हो जाएगा, हमारा विश्वास है। भगवान राम जी बोले, अच्छा हम चलते हैं। राम जी साथ गए, जा करके भगवान ने जल लिया तो उसमें तमाम कीड़े थे, बिल्कुल कीट सब बलबला रहे। भगवान ने जल हटा करके आचमन कर लिया तो कहा, हमने तो आचमन कर लिया, जल तो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। वे लोग बोले, आप जरा पैर रखिए इसमें। भगवान ने पैर रखा, जल ज्यों का त्यों रहा। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज फिर क्या उपाय करेंगे, आप भी आ गए तब भी नहीं शुद्ध हुआ। तो भगवान बोले, एक बात है हमारे ध्यान में आती है, वो बुढ़िया जो है ना यहाँ पर शबरी, उसने हमारे चरण धोए, बड़ी अच्छी बड़ी साध्वी है ऐसा मालूम होता है। जो काम भगवान से नहीं होता वह काम संत से होता है। उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ बहुत प्रयत्न किया, जल ठीक नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, उसको बुलाओ और कहो वह आ करके इसमें चरण रख देगी तो हमारा विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण उसके पास गए, जाकर बोले कि शबरी तू चल तो। शबरी डर गई कि कहीं डुबा देंगे उसके अंदर। तब कहा, राम जी ने बुलाया है। बोली, राम जी ने बुलाया है तब चलूंगी, क्या आपत्ति है। शबरी आ गई। जब शबरी पंपा सरोवर के तट पर आई तो भगवान ने कहा कि शबरी जी देखो, अब तुम तो जा रही हो परम धाम में, ब्राह्मणों का एक काम कर जाओ। बोली, महाराज क्या आज्ञा। कहा, बस इस पंपा सरोवर के जल में जरा सा चरण रख दो, वह बोली अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा तो इसको हम ठीक करेंगे, तुम रखो। शबरी ने चरण रखा, चरण रखते ही तमाम जल विशुद्ध हो गया, तमाम कीड़े जो थे सबकी मुक्ति हो गई, तमाम कीड़े उसमें रहे नहीं, कोई भी और जल निर्मल हो गया, तमाम कीड़े उसमें रहे नहीं कोई और जल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि बात तो ठीक है, ये कभी कभी जो ऐसा है ना हो जाता है। शबरी जी की कथा इस प्रकार समाप्त होती है। शबरी जी का दिव्य धाम गमन।
मधुर सुसेवा से प्रसन्न हो शबरी से बोले श्री राम, भद्रे शुचि शुश्रुषा की, अब जाओ निज अभिष्ट हरिधाम। आज्ञा पा शबरी ने जलते पावक में जब किया प्रवेश, दिव्य अग्नि सम देह प्राप्त कर तेजस्वी धर पावन वेश। बसनहार आभूषण अनुलेपन सब दिव्य परम तन धार, विद्युत द्युति दमकाती पहुँची दिव्य धाम तम के उस पार। जय श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम सुनेंगे पूज्य श्री काकभुषुंडी जी महाराज के विषय में, पूज्य श्री भाई जी के शब्दों में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शबरी माता का चरित्र, कल से आगे का भाग। ये जो भगवान हैं इनको दैन्य बड़ा प्यारा है। ये जो भगवान हैं इनको दैन्य बड़ा प्यारा है।